हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8, विषय गणित, अध्याय 12, घातांक एवं घात, प्रश्नावली 12.1 के आज सवाल आपको सवाल नंबर 1 से हल कराऊंगा। देखो बच्चों, इसके 12.1 के पहले हमने आपको सभी 7 एग्जाम्पल, सभी 7 उदाहरण हमने आपको पूरी तरह से हल करा दिए और आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 12.1 की। देखो बच्चों, इसका पहला सवाल है मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल है। पहला 3 की घात -2, दूसरा -4 की घात -2 और तीसरा 1/2 की घात -5। अब देखिए बच्चों, कैसे इसको करेंगे। बड़ी सरल सवाल है। देखो, ये 3 की घात -2, ये ऋणात्मक घातांक के सभी में हमको इसको क्या बना देना है, धनात्मक घातांक बना देना है। और मैंने आपको सिखा रखा है, देखो कैसे। तो लिखेंगे 2 की, हमने आपके सूत्र लिखाया था, 1e^-m बराबर होता है, या आधार a है, इसको उल्टा कर दो, 1/a^m। कहने का मतलब हमारा जो 3e^-2 है, इसको कैसे लगाइए, चाहे तो आप सूत्र लगा दीजिए, और सूत्र नहीं लगाओ तो आप बिना सूत्र लगाए भी हल कर सकते हो। देखो मैं इसको बता रहा हूं, पहले सूत्र से बता रहा हूं, 3e^-2, तो मैं इसको ले सकता हूं। यहां पे देखो, ये हमारा क्या है, 3e^-2, इसको बट्टा क्या ले सकता हूं मैं, 1। क्या ले सकता हूं बट्टा, जब बट्टा कुछ नहीं है तो बट्टा 1 कर सकते हैं, क्योंकि 3 में 1 का भाग देने पर कितना आता है, 3 ही आता है, तो 3 को ले सकते 3/1। अब लिखेंगे इसके लिए, को बराबर लिख दो, या फिर बराबर 3/1 का उल्टा बन जाएगा 1/3, और माइनस की 2 घात है, ये बन जाएगी प्लस की 2 घात। तो 3e^-2 थी, इसको दे दिया 1/3e^-2। क्या फर्क है, 3 का उल्टा हो गया 1/3 और माइनस 2 का बन गया प्लस की 2 घात। अब इसको अपन आगे हल कर लेंगे बच्चे। देखो 1/3 × 3, 3 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे, तो 1/9। ये पहले सवाल का हमारा उत्तर आ गया, 3e^-2, इसको और करने पर उत्तर आएगा बच्चों कितना, हमारा आंसर आ गया 1/9। इसी प्रकार देखो हमारा सवाल नंबर ये दूसरा, इसको मैं क्या ले सकता हूं, -4 के -2 नहीं, इसको ले सकता हूं -4/1e^-2, इसको मैं ले सकता हूं। देखो उल्टा कर लीजिए, -4/1 ना, इसको उल्टा कर दीजिए आप, 1/-4e^2। तो 1e^ कितनी भी हो, 1 की बनती है, तो -4 को उल्टा 1/-4, और ये -2 बनेगी प्लस की 2, तो -4 को उल्टा कर दिया 1/-4, मतलब 1/ कर लिया हमने। अब इसको अपन आगे करेंगे, देखो 1/-4 नहीं है, 1/-4 × -4, तो इस -4 को 2 बार लिख दिया, 1 का 1। अब ये -को -2 करने पर प्लस बन जाता है, और 4 को 4 से 2 करने पर 16 आ जाता है, तो ये आ गया 1/16 आंसर आ गया। इसी में देखो तीसरा सवाल, 1/2 की घात -1, इसको धनात्मक घातांक बनाएंगे, 1/2 का उल्टा क्या बन जाता है, 2। 1/2 का व्युत्क्रम क्या बन जाता है, 2/1, और 2 में 1 का भाग देने पर क्या आता है, 2, तो 1/2 का उल्टा क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 को लिख सकते हैं 2। अब यहां पे घात बना देंगे कितनी हम, 5। 1/2 का उल्टा बन गया कितना हमारे पास में, यहां पे ये 2 बन गया, और यहां पे इसकी ऋणात्मक घातांक को बनेंगे धनात्मक घातांक,
तो एक बटा दो की घात माइनस पांच थी, इसकी हमने बना दी धनात्मक घातांक। एक बटा दो का व्युत्क्रम होता है दो, और माइनस पांच का बन गया प्लस पांच घात। अब इसको अपन आगे निकालेंगे, दो की घात पांच का मतलब दो को पांच बार लिख के गुणा कीजिए, दो को पांच बार लिख के गुणा करेंगे बच्चों, एक दो तीन चार पांच हो गया हमारे पास, गुणा करने से वो दो दूनी चार, अब चार को दो से गुणा करेंगे आठ, आठ को दो से गुणा करेंगे सोलह, सोलह को दो से गुणा करेंगे बत्तीस, ये बत्तीस आंसर आ गया। इस प्रकार पहला सवाल हमने आपको बड़े अच्छी तरीके से सिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको सवाल नंबर इसका दो सिखाऊंगा, अब देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर दो, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी अपन को इन सवालों को सरल करना है और उत्तर हमको धनात्मक घातांक के रूप में देना है। देखो पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल, इसमें लिखा है माइनस चार की घात पांच भाग माइनस चार की घात आठ, यहां पे क्या हमारा ये आधार समान है, सवाल भाग का है, तो कैसे लिखेंगे माइनस चार की घात, ये हमारे पास पे कितनी है पांच, बटा माइनस चार की घात कितनी है हमारे पास में आठ है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब ये आधार समान होता है तो भाग के सवाल में घातांक को घटा देते हैं, राइट। तो देखो इसको आगे कैसे लिखेंगे हम, ये माइनस चार आधार समान है तो माइनस चार की घात ये कितनी है पांच, अभी आठ इसमें से घटा देंगे ऊपर जाएगी ये माइनस का आठ, तो आगे क्या है देखो माइनस का चार, अब पांच माइनस आठ कितना बचता है माइनस का तीन बचता है, तो माइनस चार की घात माइनस तीन आ गई। इसको फिर आगे लगाएंगे हम, हमारा सवाल क्या है कि सरल कीजिए, ये मैं सरल कर लिया, अब उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, ये उत्तर हमारा किसमें आया माइनस की घात में, इसको बनाएंगे धनात्मक घातांक। धनात्मक घातांक कैसे बनती है, इस आधार को उल्टा कर दो, माइनस चार है इसका उल्टा होता है एक बटा माइनस चार, क्या बनता है एक बटा माइनस चार, और माइनस की तीन घात नहीं है ये बन जाएगी हमारी प्लस की तीन घात, ये माइनस की तीन घात क्या बन गई प्लस की तीन घात, इस आधार को उल्टा कर दिया माइनस चार को उल्टा होता है एक बटा माइनस चार, और ये माइनस तीन बन गई प्लस की तीन घात, तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट। ये पहला सवाल हमारा हो गया, दूसरे का जिसका आंसर हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, ये हमको प्राप्त हो गया एक बटा माइनस चार की घात तीन। अब आगे बढ़ेंगे देखो सवाल नंबर दो की तरफ, हमारे सवाल लिखा है एक बटा दो की घात तीन, और यहां पे क्या लिखा है घात दो, हमने आपको सूत्र लिखाया था एक एक की घात एम गुणा एन बराबर क्या बन जाता है एक की घात एम गुणा एन, अर्थात जब घात के ऊपर घात होती है तो उन घातों को क्या कर लेते हैं हम गुणा कर लेते हैं बच्चों, इसलिए एक का एक नीचे दो की घात कितनी है हमारे पास तीन, और तीन का गुणा करेंगे दो घात से, ये दो घात से गुणा कर लेंगे राइट। तो देखो क्या आएगा हमारे पास एक का एक आ गया, आधार हमारे पास कितना है पे दो है, अब तीन को दो से गुणा करेंगे छह, तो एक बटा दो की घात छह, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया बच्चों आंसर आ गया। तो एक बटा दो की घात तीन और ऊपर घात दो है, तो इसको उत्तर आ गया तीन घात और दो घात को गुणा कर लेंगे तीन दूनी छह घात, अर्थात हमारा उत्तर आ गया एक बटा दो की घात छह, राइट। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर तीन की तरफ, इसमें लिखा देखो बच्चों यहां पे आधार माइनस का तीन है और घातांक चार गुणा पांच बटा तीन की घातांक चार, अब देखो बच्चों ये पांच बटा तीन की घातांक चार है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार घात पांच के ऊपर भी है और ये चार घात तीन के ऊपर भी है, तो इसको लिखना सीखो आप, ये माइनस का तीन की घात कितनी है हमारे पास चार गुणा पांच की घात चार
बटा 3 की घात 4, राइट। माइनस 3 की घात 4 है गुणा 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का 3 की घात 4 बटा क्या लिखेंगे, 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। इसके नीचे इसको लिख सकता हूं। फिर आगे देखो क्या होता है हमारे पास में, अब देखो यहां पे क्या है हमारे पास में बच्चों, यहां पे क्या, ये आधार माइनस का 3 है, ये आधार प्लस का 3 है, जबकि घातांक क्या समान है। जब ये आधार विपरीत है और घातांक समान है तो क्या लिखेंगे, इन आधारों को कोष्ठक में लिख लो, माइनस का 3 बटा 3 और घातांक यानी दीजिए 4। क्योंकि इस आधार के ऊपर भी घातांक 4 है, इस आधार के ऊपर भी घातांक 4 है, तो माइनस का 3 और बटा 3 को लिख दो कोष्ठक में और ये दोनों समान घात है तो ऊपर लिख दीजिए 4 घात। इसका मतलब है कि माइनस 3 की भी घात 4 है और प्लस 3 की भी घात 4 है। आगे लिख दीजिए आप 5 की घात 4। अब इसको हल करेंगे, देखो बच्चों आगे ये 3 से 3 कब आ जाएगा, 1 बार, तो यह बच जाएगा -1 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। अब -1 की घात 4 मैंने आपको कहा था कि जब 1 माइनस का होता है, ये किसका होता है माइनस का, तो इसके ऊपर सम घात होती है तो उत्तर प्लस का 1 आता है, और विषम घात होती है तो हमारे पास उत्तर आता है माइनस का 1। तो -1 की घात 4 है तो देखो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 को 1 से गुणा कर 1 आता है, तो -1 की घात 4 का उत्तर कितना है 1। और आगे लिखा 5 की घात 4, इसको कर लीजिए आप, 5 की घात 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 का 4 आता है, कितना आता है अंतिम उत्तर कितना आ गया, ये 5 का 4 हमको प्राप्त हो गया, राइट। इस प्रकार ये आपका तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम हल करेंगे देखो सवाल नंबर 4, देखो ध्यान से समझना, इसमें लिखा है -3 की घात -7 3 की घात -8 3 की घात -5। देखो आधार समान है, आधार के हमारे पास में समान है, तो इसको लिखना सीखो बच्चों जरा ध्यान पूर्वक, 3 की घात -7 ये बटा कर लो आप, 3 की घात कितनी है -10 गुणा 3 की घात कितनी है -5, राइट। अब इसको आप हल करना सीखो, आगे देखो ये 3 की घात कितनी है -7, अब ये क्या भाग लग रहा है तो ये -10 ऊपर जाएगी प्लस की बन जाएगी, क्योंकि भाग में क्या होता है घातांक को घटाते हैं, तो 3 की घात -7 वैसी की वैसी है, इस पे किसका भाग दे रहे 3 की घात -10 का, तो ये -10 को पढ़े जाओ आप, ये बन जाएगी किसकी प्लस की 10 बन गई, और यह भी माइनस ये गुणा है तो ये गुणा में क्या जुड़ जाएगी ये -5, तो देखो 3 की घात -7 ये -10 ऊपर जाएगी ये बनेगी प्लस की 10, और ये गुणा है ये -5 -7 में से करा दिया -10 तो ये बन गया प्लस का 10, अब जोड़ देंगे -5 ये जोड़ दिया -5। अब इसको आप आगे कर लो 3 की घात, देखो -7 और 5 कितने की 12 और प्लस की कितनी है 10, इसको अपन आगे न करेंगे, देखो 3 की घात क्या बचेगी 12 बच गया तो 2 बच गई, 3 की घात कितनी बची -2, ये 12 माइनस का है 10 प्लस का है तो 3 की घात -2 बच गई। अब इस ऋणात्मक घातांक को क्या बनाएंगे अंत में, धनात्मक घातांक बनाएंगे, तो कैसे बनती है धनात्मक घातांक बनाना मैंने आपको सिखा दिया, धनात्मक घातांक बनाने के लिए जो हमारा आधार है 3, इसको उल्टा कर दो, 3 का उल्टा होता है 1/3 और ये माने 2 घात है, इसको प्लस की 2 घात कर दो आप, ये आंसर आ गया 1/3 की घात 2 हमारा इसका आंसर प्राप्त हो गया, राइट। अब देखो हमारे पास बच्चों एक सवाल और बच गया, सवाल नंबर 5,
अच्छी तरह समझना आप। इस सवाल को थोड़ा मिहाल देता हूं, इस सवाल पांच यहां देता हूं, 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3 ये लो। तो देखो कैसे हम करेंगे, हमारे पास क्या है, ये आधार समान है, आधार अलग अलग है और घातांक समान है। तो मैंने आपके सूत्र लिखा था, देखो a की घात m गुणा b की घात m बराबर क्या होता है a गुणा b की घात m। देखो दोनों की घात समान है, तो जब घातांक समान होती है और हमारा ये आधार विपरीत होता है तो गुणा के सवाल में क्या करते हैं, इन आधार का गुणा करते हैं, a और b का गुणा कर दिया, a भी हो गया और घातांक m होने दी बाहर। तो कैसे लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना, ये आधार कितना है 2, इसका गुणा करेंगे -7 से, इसको cos में बंद कर लीजिए आप, और ऊपर घात लिखेंगे -3, इसको आगे कर लीजिए आप, 2 को -7 से गुणा करेंगे तो -14 की घात कितनी आ गई, -3, -7 को 2 से गुणा किया -14 आ गया, ये -3 घात। अब इस -3 घात को बनेंगे धनात्मक घातांक, तो कैसे बनेगा, -14 का उल्टा कर दो, ये आएगा 1 बटा -14, 1 बटा -14, 14 का उल्टा 1/14 होता है और -14 का उल्टा होता है 1/14। अब ये -3 घात है, ये बनेगी +3 घात, तो उत्तर आ गया 1/-14 की घात 3। इस प्रकार हमने बच्चों के साथ सवाल नंबर 2 भी हल कर लिया, और आप इसका जरा ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, आप इन सभी सवालों को अपनी नोटबुक में उतारना। मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताए गए सारे सवाल आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद बच्चों इसके आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।